जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्पली चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2D एरे यानी कि टू डायमेंशनल एरे आखिर क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत हमने टू डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ लिया है, जिससे कि आज हम उसके बारे में एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं उसका यूज़ करके। तो मैं आज एक मैट्रिक्स प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि 2D एरे जो होता है वह आपका एक मैट्रिक्स एरे भी बोला जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में भी रो कॉलम होते हैं और 2D एरे में भी रो का एक सब्सक्रिप्ट होता है और एक कॉलम का सब्सक्रिप्ट होता है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बाद ही क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने अपना एक एडिटर ओपन किया हुआ है। आप कोई भी कंपाइलर या कोई एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्बो C++, डेव C++, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है और फाइल को सेव किया हुआ मैट्रिक्स डॉट सी एक्सटेंशन से। उसके बाद मैं अपना प्रोग्राम यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करानी है, तो मैं हेडर फाइल इंक्लूड कराता हूँ stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल मैंने इंक्लूड करी। उसके बाद मैं एक और हेडर फाइल इंक्लूड कराता हूँ conio.h। मुझे और कोई हेडर फाइल की अभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो दो हेडर फाइल इंक्लूड कराने के बाद मुझे यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। तो void main, मेन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको डिक्लेयर करना है 2D एरे तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले उसका डाटा टाइप, एरे का नेम और उसका फर्स्ट सब्सक्रिप्ट यानी कि रो सब्सक्रिप्ट। तो आपको कितनी रोज अपने एरे में चाहिए, तो मुझे एरे चाहिए 3 रो का, तो मैं यहाँ पर 3 सब्सक्रिप्ट देता हूँ रो के लिए। अब सेकंड सब्सक्रिप्ट, क्योंकि 2D एरे है, मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो कॉलम भी चाहिए। तो कॉलम हम कितना चाहते हैं, हम कॉलम भी मैं कम से कम 3 रखना चाहता हूँ। आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं 3-3 की कॉलम और रोज ले लेता हूँ सब्सक्रिप्ट में। तो ये हमारा एक 2D एरे डिक्लेयर हो चुका है एरे नाम से। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर हमारे पास 2D एरे है तो मुझे 2 लूप चलाने, एक आई के लिए एक जे के लिए, आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। तो रो और कॉलम के लिए 2 लूप चलाने, तो 2 अलग से वेरिएबल चाहिए लूप के लिए। तो एक ले लिया मैंने आई और एक ले लिया मैंने जे। इसके बाद आपको फॉर लूप ओपन करना है। ठीक है, तो फॉर लूप में सबसे पहले आप प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं। फॉर लूप से पहले इसमें आप लिख सकते हैं कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे और ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, आप सबसे पहले इसको प्रिंट कर दीजिए, तो प्रिंट ये हो जाएगा। उसके बाद मैं फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर लूप मुझे पहले रो के लिए चलाना है, तो आई इज इक्वल टू 0, देन क्योंकि पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होगा, आपको पता ही है। उसके बाद मैंने बताया था आई आपका रो के लिए चलता है, तो आई इज लेस देन टू साइज ऑफ रो सब्सक्रिप्ट। तो रो सब्सक्रिप्ट का साइज क्या है, 3 है। तो रो की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3। तो आई इज लेस देन टू 3 यानी कि आई की जो वैल्यू है वो रो तक चलेगी, रो की इतनी मैक्सिमम तो होनी ही चाहिए। तो आई इज लेस देन टू 3, देन आई प्लस प्लस, क्योंकि 0 से 3 तक भी जाना है उसे, तो इंक्रीमेंट करेगा। तो आई प्लस प्लस, इसके अंदर एक और लूप चाहिए जिसे हम इनर लूप बोलते हैं। और रो के अंदर इनर लूप हम क्या चलाएंगे, हम चलाएंगे कॉलम को। तो कॉलम क्या होगा, फॉर कॉलम के लिए मैंने क्या लिया वेरिएबल जे। तो जे को इनिशियलाइज किया 0 से, देन जे को कंडीशन, क्योंकि जे मैंने कॉलम के लिए यूज़ किया है, तो जे इज लेस देन टू द कॉलम। अब कॉलम के साइज क्या दिया हुआ मैंने, कॉलम के साइज आप देखेंगे सब्सक्रिप्ट में, कॉलम के साइज दिया हुआ हमने 3। तो यहाँ भी जे इज लेस देन टू 3, देन 0 से हमें 3 तक जाना, तो जे प्लस प्लस। इसके बाद हमें कॉलम वाले इनर लूप के अंदर हमें इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ। स्कैन एफ के बाद हमें देखना है कि हमारा एरे किस टाइप का, किस डाटा टाइप का, तो इंटीजर डाटा टाइप का हमारा एरे है, तो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं आप। आपने कॉमा लगाया, उसके बाद एम परसेंट और एरे का जो भी नेम है वह नेम। उसके बाद पहले सब्सक्रिप्ट में आपको पता है फर्स्ट सब्सक्रिप्ट हमारा रो के लिए होता है, तो रो के लिए हमने यहाँ पर आई यूज़ किया हुआ है, तो हम लिखेंगे आई। और सेकंड सब्सक्रिप्ट आपको पता है वो कॉलम के लिए होता है, और कॉलम के लिए हमने सब्सक्रिप्ट यूज किया हुआ है यहाँ पर जे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो स्कैन एफ एम परसेंट डी, स्कैन एफ परसेंटेज डी फॉर इंटीजर इनपुट्स, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, देन एम परसेंट एरे नेम, और फर्स्ट स्क्रिप्ट में रो और सेकंड स्क्रिप्ट में कॉलम, सॉरी सेमी कॉलम आपको इधर लगेगा। तो ये हुआ आपका इनपुट के लिए। उसके बाद आपको आउटपुट भी देना है, यानी कि मैट्रिक्स आपको शो भी करनी है जो यूजर ने इनपुट किया। तो उसके लिए एक और लूप चलेगा, वह लूप यही सेम लूप होगा, आप चाहे जैसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं दोबारा से जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, देन आई इज लेस देन टू रो और रो साइज है आपका 3, उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद इसके अंदर और इसके अंदर इनर लूप चलेगा जे, जे इज इक्वल टू 0, देन जे इज लेस देन टू द कॉलम साइज, कॉलम साइज इज 3, देन जे प्लस प्लस। इसके बाद इसके इनर में आपको पहले आपने इनपुट लिया तो स्कैन एफ फंक्शन यूज़ किया, इस बार आउटपुट देना है तो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ कीजिए। इंटीजर टाइप पे आप कह रहे हैं तो परसेंटेज डी आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। उसके बाद
आपको वह एरे का नेम लिखना है जो आपने एरे का नेम दिया है, उसके फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में आप रो को देंगे तो रो के लिए आपने यूज किया हुआ आई, सेकंड सबस्क्रिप्ट में आप देंगे जे क्योंकि वह कॉलम के लिए है, तो ये हो गया एरे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर एम्परसेंड नहीं लगाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं फिलहाल, तो ये आपका एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। इसके बाद इसके नीचे स्क्रीन को रोकने के लिए मैं यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन का यूज करता हूँ जो कॉन्यू हेडर फाइल का एक फंक्शन है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसे मैं कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। तो GCC मेरा कंपाइलर है और मैंने आउटपुट नेम लिया मैट्रिक्स और फाइल नेम मेरा matrix.c। कोई एरर होगी तो दिखाई देगा, एरर नहीं है तो नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैट्रिक्स जो हमारा आउटपुट फाइल नेम है से लिखने के बाद एंटर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारे कितने एलिमेंट हमें देने हैं रो में और कितने कॉलम में देने हैं। हमें पता है हमने तीन एलिमेंट देने हैं रो में और तीन देने हैं कॉलम में। अगर आपको ऐसा ना करना हो तो आप यूजर से इसके लिमिट भी ले सकते हैं कि कितनी आप रूल बनाना चाहते हो, कितनी आप कॉलम बनाना चाहते हैं। तो वह भी सिंपल है, आप एक रो के लिए एक वेरिएबल लीजिए, एक कॉलम के लिए वेरिएबल लीजिए और अपने हिसाब से एरे का मैक्सिमम साइज दे दीजिए सबस्क्रिप्ट में, और रो और कॉलम को आप इनपुट ले लीजिए यूजर से कि क्या रो रखना चाहते हैं, क्या कॉलम रखना चाहते हैं, और उसको जो भी वह रो और जो भी वह कॉलम यूजर इनपुट करे उसको आपको लूप में लगा देना है कि i < 3 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो आप वहाँ लिख देंगे i < row, जहाँ मैंने j < 3 लिखा है वहाँ आप लिख देंगे j < row, जो भी यूजर इनपुट करेगा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। पर फिलहाल हमें यह पता है कि हमारा साइज 3x3 है, यानी कि 9 एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट यहाँ पर मुझे एंटर करने हैं। तो पहला एलिमेंट 1, सेकेंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 एलिमेंट मैंने यहाँ पर इनपुट करे, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सीधे ही प्रिंट हो गया, पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं आया। आपको पता है मैट्रिक्स और कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है, तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग करता हूँ। पहले यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बार रो प्रिंट हो और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आए, फिर दूसरी रो प्रिंट हो फिर नेक्स्ट लाइन आए, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा। तो आप इस इनर लूप के बाहर जाइए, यानी कि इस आउटर लूप में, आई वाले लूप में, और यहाँ लिखिए printf \n। आपको पता है स्केप सिक्वेंस कैरेक्टर है नेक्स्ट लाइन के लिए। सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसके वापस मैं इसको एक बार और कंपाइल करके देखता हूँ। तो मैंने कंपाइल किया, अब देखिए एंटर द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। एंटर प्रेस किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए अब यहाँ पर कॉलम भी 3 है हमारा और रो भी आपका 3 है। तो इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर पर्सनली कोई डाउट है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।